लेकिन भगवान के धाम में गई, भगवान के साकार विग्रह आदि दैविक जगत में गई, आदि भौतिक जगत से आदि दैविक जगत में गई। अगर उधर रह रह के भी समय आया और संसार भोगने की इच्छा हुई तो फिर आएगी, लेकिन भगवान की कृपा से अगर भगवत तत्व का साक्षात्कार उसको आराम से हो सकता है, हो गया तो व्यापक ब्रह्म हो जाएगी। तो आदि भौतिक आदि दैविक, आदि दैविक जहां पहुंचता है वहां आदि भौतिक की पहुंच नहीं है, लेकिन अध्यात्म तो सर्वत्र भरपूर है। तो अध्यात्म ज्ञान होने के बाद शरीर में होने पर भी देह चता जेनी दशा वरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी गुरु दीवो गुरु देवता गुरु बिन घोर अंधा जे गुरु वाणी वेगड़ा रड़वड़िया संसार। तो गुरु की वाणी नहीं होगी तो कितनी तपस्या करे रड़वड़िया संसार, कितना राजकुमार हो जाए रड़वड़िया संसार, कितना धनी हो जाए कितना राजाधिराज हो जाए रड़वड़िया संसार, लेकिन गुरु की वाणी से गुरु तत्व का, गुरु मन सबसे बड़ा, गुरु तत्व का साक्षात्कार करना हो तो बड़ा सरल है, लेकिन कुछ पाना है तो वो पाके फिर मरना, मर के फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि भगवत तत्व पाना, और भगवत तत्व में सब में भगवान है अथवा सब भगवान में है अथवा तो सब वासुदेव, ये तीन ऊंचे के ऊंचे भाव है। इन तीन भावों में से कोई भी भाव पकड़ ले, सब मेरे गुरु तत्व है, गुरु ही गुरु है, वासुदेव है, मेरे प्रभु ही प्रभु है अनेक रूपों में, अथवा सब प्रभु में है, सब में प्रभु है, सब प्रभु में, अथवा सब कुछ प्रभु है। इससे जो शीघ्र जितना कल्याण होता है वो 60,000 वर्ष तपस्या से भी नहीं होता वापस। दधीचि ऋषि के आगे भगवान कृष्ण ने लीला दिखाई, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन ने विराट रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। दधीचि ऋषि के आगे भी भगवान ने थोड़ा विराट रूप का चमत्कार दिखाया तो दधीचि हंसने लगे कि मन मले अर्जुन नहीं हूं वासुदेव, मैं अर्जुन नहीं हूं, वासुदेव है सर्वमिति, मैं ही सब कुछ हूं, आप और मैं सब एक ही हूं, आपको देखना है तो मैं आपको विराट रूप दिखा दूं मेरे को क्या विराट रूप दिखाते हो। अर्जुन तो विराट रूप देखकर भयभीत हो गए, लेकिन ऋषि विराट रूप देखकर हंसने लगे कि केशव मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं तुमको विराट रूप दिखा दूं, मेरे संकल्प और तुम्हारा संकल्प वहीं से उठता है।